हेलो 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 हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? 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 शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये अजदाबादी मुस्तफ़ा कन्वीनर ऑफ डी एम के, वो भी आ गए हैं ब्रॉड के ऊपर। यूके के सरगम कारकुन मोइन खान भी इस वक्त ब्रॉड पर मौजूद हैं, और आप तमाम साथी जो हैं वो जो इस वक्त ब्रॉड पर हैं, और यकीनन जो सब्सक्राइबर्स हैं, सब्सक्राइबर्स को यकीनन इत्तला मिल गई होगी मेरी, या जिन्होंने टीम मेंबर बने हैं उनको इत्तला हो गई होगी। बाकी लोगों को इत्तला करना आप लोगों का काम है। अब 479 जो लोग हैं, तो उनमें से जिन जिन को इत्तला मिल रही है वो शामिल हो रहे हैं, और बाकी को आप फ़ोन करके बता दीजिए कि मैं लाइन पर इस वक्त लाइव हूँ, और आज गो कि मेरा दिन नहीं है तयशुदा दिनों में से, तो लेकिन इस वक्त लंदन वक्त के मुताबिक रात के 10:32 हो रहे हैं, 32:33 हो रहे हैं, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि यकीनन कोई अहम इत्तला होगी, कोई अहम बात होगी जिसके लिए मैं इस वक्त अचानक इत्तला मिलते ही जो इत्तलात मिली हैं उसके मुताबिक हाजिर हो गया हूँ। और इस ख़बर का खुसूसन पश्तून कौम से ज़्यादा अहम ताल्लुक़ है, जो पश्तून कौम है तो पश्तून कौम के लोगों से आज की अहम ख़बर का बड़ा ताल्लुक़ है गहरा। लिहाजा मैं साथियों से ये गुजारिश करूँगा जिनके पास पश्तून साथियों के नंबर्स हैं, पश्तून साथियों के, प्लीज़ उनको इन्फॉर्म कर दें। अगर वो मेंबर नहीं हैं तो भी इन्फॉर्म कर दें आप, ताकि पश्तून भाई वो अपने दीगर पश्तून भाइयों तक ताज़ा तरीन ख़बर को पहुंचा दें। लिहाजा नए साथी जितने जो सॉरी इस वक्त ब्रॉड पर मौजूद हैं जो साथी, वो उनके पास जिनके पास पश्तून भाइयों का टेलीफोन नंबर्स, व्हाट्सएप नंबर्स मौजूद है, या ईमेल नंबर है, या इंस्टाग्राम, जो तरीका आपको, जो जिस तरीके से आप उनसे रابطہ यानी पैगाम पहुंचा सकते हैं पहुंचा दें, ताकि मैं फिर ब्रॉड का बिस्मिल्लाह करके आगाज़ करूं। लिहाजा इतनी देर में, जितनी देर में मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप पहुंचा दीजिएगा। इसके साथ साथ मैं पहले कह चुका हूं, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है, कि टीम मेंबर जो बना है उसको इत्तला हो गई होगी, और जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको लाजमी इत्तला हो गई होगी कि मैं इस वक्त लाइव हूँ।
लंदन में तो 10:35 हो गए हैं अब, और जाहिर है कि तमाम पूरी दुनिया में मेरा ये टिकटॉक लाइव जाता है, तो पूरी दुनिया में टाइमिंग का फर्क होता है, कहीं दिन होता है तो कहीं रात होती है, कहीं दोपहर होती है, कहीं सुबह होती है, या दो समझ लें बिटवीन मॉर्निंग और आफ्टरनून का दरमियानी वक्त होता है, लिहाजा हर जगह कहीं से दोपहर होती है तो कहीं सहपहर होती है, फिर उसके बाद शाम होती है, फिर रात का आगाज होता है। इस तरह हर जैसे जैसे सूरज के गिर जमीन घूमती रहती है और उसका दिन तो बदलता है, जो वो अपने ऑर्बिट में जब वो लट्टू की तरह घूमती है, दो तरीक़े से ज़मीन के गिर्द ज़मीन जो है अपने ऑर्बिट में दो तरीक़े से चक्कर लगाती है। ये मैं अपने लेक्चर्स में आपको पहले भी बता चुका हूँ। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अब मैं बिस्मिल्लाह करता हूँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पाकिस्तान में रहने वाले तमाम पाकिस्तानी और पाकिस्तान के वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर दीगर ममालिक में, यानी दीगर ममालिक या ओवरसीज ममालिक में मुकीम है, उन और जो इस वक्त लाइन पर ब्रॉड पर मौजूद है, उन सबकी खिदमत में मोहब्बत भरा मोहब्बत से लबरेज अकीदत भरा अस्सलामु अलैकुम, और आप सबकी खिदमत में इंतहाई अदब के साथ आदाब अर्ज। आज मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, आज 3 अक्टूबर की तारीख है लंदन वक्त के मुताबिक, पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 4 अक्टूबर 2024 की तारीख शुरू हो चुकी है। लंदन वक्त के मुताबिक जुमेरात का दिन है, पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक आज जुमा का दिन शुरू हो चुका है। 3 अक्टूबर 2024 थर्सडे, और फिक्री नशिस्त आज की जो है वो 123वीं 123 फिक्री नशिस्त है, 123वीं फिक्री नशिस्त, स्टडी सर्किल नंबर, स्टडी सर्किल नंबर 123, 123, 123। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, सबसे पहले आज की तारीख लंदन वक्त के मुताबिक, और आप जहाँ जहाँ रहते हैं, अगर आपके यहाँ 2 तारीख है, आपके यहाँ 4 तारीख है, जो भी तारीख हो उस हिसाब से आप लिख लें। लंदन वक्त, लंदन के मुताबिक आज यहाँ अभी तक थोड़ी देर में 4 तारीख शुरू हो जाएगी, अभी तो 1.5 घंटा बाकी है, तकरीबन 1.25 घंटा 1.5 घंटा। तो 3 अक्टूबर लंदन वक्त के मुताबिक 3 अक्टूबर 2024 जुमेरात का दिन, 3 अक्टूबर 2024 थर्सडे, 123 स्टडी सर्किल नंबर 123, 123। साथियों आज की तारीख में नोट कर लीजिए, टाइम नोट कर लीजिए, ताकि आपको अगले 48 घंटों का शुमार करना आसान हो जाए। मैं हालात, मौजूदा हालात, सबका हालात को मिलाकर इस
ये सोच, ये तज्जिया, ये जायजा, ये बात मेरे जहन में आई, जिसके तहत मैं आपको बता रहा हूं कि अब से नोट कर लीजिए, अब अगले आज के बाद जिस वक्त मैं बात कर रहा हूं, अब से 48 घंटे बहुत 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 अहम है। अल्लाह रहम करे। मैं सुनने वालों से कहता हूं कि वो अपनी तरफ से बहुत एहतियात से काम लें, आने जाने सफर इसमें एहतियात करें। मतलब ये नहीं कि आप घर से बाहर ना निकलें, मतलब हर बहुत होशियारी के साथ आपकी मूवमेंट होनी चाहिए। और देखते हैं कोई कौन सा वाकया 48 घंटों के दौरान सामने आने वाला है। ये बात तो मैंने आपको बता दी। अब मैं अपने पश्तून भाइयों के लिए खुसूसन ये हंगामी तौर पे उनको इत्तला देने के लिए आया हूँ कि देखिए, कल भी मैंने हंगामी अपने खिताब में जिक्र किया था कि एक पश्तूनों की जमात कायम हुई चंद साल पहले और जिसने बड़ी जल्दी बहुत शोहरत हासिल की, जिसका नाम है पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट। तो मैंने कल आपको अपनी ब्रॉड पर टिकटॉक लाइव में बताया था। आवाज आ रही है बिल्कुल क्लियर? जी भाई, मैंने कल आपको टिकटॉक लाइव में बताया था कि 11 अक्टूबर को KPK के इलाकों में तमाम कबायली अमायदीन, तमाम अमायदीन पश्तून, उनका ग्रैंड जरगा मुनक़िद होने जा रहा है। लेकिन बगैर किसी इश्तियाल अंगेजी, बगैर किसी वजह, बगैर किसी चीज को जवाज बनाए बगैर, यानी बगैर किसी जवाज के, PTM ने जो दूर दराज से गांव गोट एजेंसी, दूर दूर इलाकों से पैदल सफर करके, जानवरों में बैठ के, साइकिलों पे पैदल चल के, जिस तरीके से भी वो अपना सफर जारी रखे हुए हैं, तो PTM ने उनकी सहूलत के लिए, पानी पीने के लिए, चाय वगैरह के लिए जगह जगह कैंप्स लगाए थे, जिन्हें कल KPK की पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज ने मिलकर गोलियां चलाकर, आग के शेल फेंक कर उनको सब कैंपों को जला दिया। ये इत्तला मिलते ही PTM के लोग मुतहर्रिक हो गए और ये इत्तला जंगल की आग की तरह पूरे KPK के तमाम पश्तूनों तक पहुंच गई। और पश्तूनों तक जब ये खबर पहुंची तो जहां गम और गुस्से की लहर दौड़ी, वहीं एक जज्बा ये पैदा हुआ पश्तूनों भाइयों में कि चलें दोबारा से नए कैंप लगाते हैं। तो उन्होंने कल से रात को वो तमाम मलबा जलावा उठाया और दोबारा से कैंप लगाना शुरू कर दिए। और आज
बहुत जगहों पे बड़ी तादाद में कैंप जब लग गए तो ताजा तरीन इत्तला जो मुझे मौसूल हो रही हैं और हुई हैं उसके मुताबिक जो नए कैंप्स लगाए थे कई जगहों पर, मुतादे जगहों पे लगा रहे हैं कैंप कारकुनान पीटीएम के, पश्तून तहफ़ुज़ मूवमेंट के, तो आज भी तमाम नए लगाए जाने वाले जो नए कैंप्स थे उन पर शदीद फायरिंग, आके गोले, टियर गैस, न जाने कौन कौन से आग लगाने वाले हथियारों से फायरिंग की गई, जिससे आज 3 अक्टूबर के दिन, यानी आज जब मैं बात कर रहा हूं, अभी तक की इत्तला के मुताबिक आग लगाई जा रही है। तो तमाम नए कैंप्स जितने लगे थे वो जलाकर राख कर दिए गए हैं। अब यहां चंद सवालात बड़े अहम उठते हैं। चंद अहम सवालात में पहला सवाल तो यह है कि के पी के में किस की हुकूमत है? इसका जवाब मैं जानना चाहूंगा, जो मुझे लिख के भेजते हैं। तो मेरा सवाल आप सुनने वालों से यह है कि के पी के में किस जमात की हुकूमत कायम है? माशाल्लाह, मुझे खुशी है कि ब्रॉड पर मौजूद साथी तवातुर के साथ सुन रहे हैं मेरे लेक्चर्स। 123वां आज है, तो अब उनका लगाव और मालूमात इतनी वसी हो गई हैं कि उन्होंने देर नहीं लगाई और जवाब आना शुरू हो गए। सब के मैं नाम नहीं ले सकता कि पीटीआई 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 की हुकूमत है। कोई तफसील से लिख रहा है कि केपीके में पीटीआई की हुकूमत है, कोई खाली पीटीआई का लिख रहा है, वो भी बात दोनों ही, चाहे आप पूरी लिखें या खाली इतना लिख दें किस किस जमात की हुकूमत है, तो आ जाएगा पीटीआई की हुकूमत है, सबको मालूम है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं इस बात को समझने से कासिर हूं कि पीटीआई की हुकूमत, जिसके सरबरा अमीन अली गंडापुर यानी चीफ है, वो कहाँ के पी के चीफ मिनिस्टर के पी के अमीन अली गंडापुर, और वहां पीटीआई की हुकूमत है। मैं पीटीआई के रहनुमाओं से साफ अल्फाज में एक बात कहना चाहूंगा कि अगर पीटीएम पश्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट और उनके सरबरा मंजूर पश्तीन साहब आपको पसंद नहीं है, पीटीआई वालों पर, पीटीआई वालों को आप का सियासी इख्तलाफ है, नजरियाती इख्तलाफ है, या आप पीटीआई पीटीएम को पसंद नहीं करते हैं, तो ये सारी बातें आईन और कानून इस्लाम के तहत जायज है आपके लिए। आप जो भी राय, आपका अपना जहन है, अपनी सोच है, अपनी फिक्र है, आपका भी नजरियाती तौर पर किसी न किसी जमात से लगाव है, वो वाबस्तगी है, तो आप सोचें जरूर। मगर
किसी भी PTM या कोई भी जमात हो मुखालिफ, उसके लगाए गए जलसों के इंतजाम हों या जिरगे के इंतजाम हों या कोई और फंक्शन किसी भी जमात की जानिब से किया जाए, तो इखलाकी आईनी कानूनी हमारी जिम्मेदारी है, शराफत का भी तकाजा है, माशरती अकदार का भी तकाजा है कि हम किसी जमात से इख्तलाफ तो रख सकते हैं, लेकिन इख्तलाफ की बुनियाद पर उसके मुनाकिदा जलसे फंक्शन प्रोग्राम के लिए किए गए इंतजामात को सबुताज, उसको तोड़ उसकी तोड़ फोड़ या उसको जलाना ये अमल नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। ये गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर इस्लामी, गैर मुआशरती, ये तहजीबी नहीं जंगली अमल है ये जो अमल किया जा रहा है। तो PTI वाले अगर समझते हैं कि PTM से उनका नजरियाती इख्तलाफ है, उनका हक है PTI वालों का कि वो नजरियाती इख्तलाफ रखें, लेकिन अपनी जमात की के में PTI की हुकूमत है, वजीर आला उनका है, तमाम वजीर PTI के हैं, तो उनको उनकी जिम्मेदारी है कि पूरे KPK में बशमूल कबायली इलाका जात कहीं भी कोई जमात कोई प्रोग्राम करे, उसमें अगर वो तावुन नहीं कर सकते तो कम से कम उनकी राह में रुकावटें न डालें। रुकावटें डालना तक जायज नहीं है, चे जाए के आप उनके लगाए गए इंतजामात को, उनके कैंपों को, उनकी तैयारियों को जलाकर भस्म कर दें, उनके कैंपों को आग लगा दें, ये चीज किसी तरह भी एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी तरह भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लिहाजा PTI के लीडरों से मेरी गुजारिश है कि वो कौम को बताएं कि PTM के कैंपों को कौन आग लगा रहा है, उन पर गोलियों की आंसू गैस की आग लगाने वाले कारतूसों की बुलेट्स की, आई डोंट नो व्हाट आर दे यूजिंग, लेकिन उसमें आग लग जाती है, वो फौरन जल के तेजी से आग पकड़ते हैं और वो जल के राख हो जाते हैं सब। तो ये PTI की गवर्नमेंट, PTI के वजीर आला KPK की मौजूदगी में पुलिस 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 जो वजीर आला के, पुलिस तो वजीर आला के मां तहत होती है, तो आपकी हुकूमत के दौरान PTM पर ये हमले क्यों हो रहे हैं, ये हमले क्यों कराए जा रहे हैं, ये PTM के कैंपों को आग क्यों लगाई जा रही है, अगर
सियासी और नजरियाती इख्तलाफ की बुनियाद पर आप समझते हैं कि आपकी पुलिस की जानिब से पीटीएम के कैंपों को आग लगाना जायज है, तो क्या फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत विफाकी हुकूमत का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आपके जलसों की यानी पीटीआई के जलसों की धरनों की जुलूसों की राह में रुकावटें डालना नाजायज कैसे हो सकता है? यानी आप क्या साबित पीटीआई करना चाहती है? या तो आवाम को बताएं कि पीटीआई की पुलिस, वजीर आला की पुलिस, केपीकी की पुलिस ये आग नहीं लगा रही है पीटीएम के कैंपों को, तो ठीक है, फिर खुल के बताएं कौन आग लगा रहा है, कौन पीटीएम के 11 अक्टूबर के ग्रैंड जर्गर को नाकाम बनाने के लिए ये इकदाम कर रहा है, कौन कर रहा है? कोई जवाब दे सकता है इसका? यानी कोई लॉजिक बनती है? इज देयर एनी मंतिक बनती है? कोई लॉजिक बनती है कि किसी मुखालिफ या जो पसंद ना हो जमात उसके कैंपों को आग लगा दो? ये पीटीआई की लीडरशिप से, उसकी मरकजी कमेटी से मेरा मुतालबा है कि फौरी तौर पर, और मैं गुजारिश करूंगा ये हंगामी खिताब का आज ही मेरा ट्वीट जाए, ये मेरा पीटीआई के तमाम रहनुमाओं से मुतालबा है, बशमोल वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर से, कि पुलिस के पी के की पुलिस पीटीएम के कैंपों को आग क्यों लगा रही है? रुकावटें पीटीएम के जलसे में जो पश्तून कौमी ग्रैंड जिरगे के लिए तैयारियां कर रहे हैं उसको पुलिस क्यों खराब कर रही है? ये मेरा सवाल है, इसका मुझे भी जवाब चाहिए। पश्तून इंसान है, इंसान से बढ़कर मेरे मुल्क के हैं, इससे और ज्यादा बढ़कर मेरा इंसानियत का रिश्ता है उनसे, वो भी मेरे भाई बहन माँ बाप की तरह से हैं, रिश्तेदारों की तरह से हैं। रिश्तेदार न समझे तो हम एक दूसरे का एहतराम करने वालों में से हैं। मैं पश्तून कौम का एहतराम करता था, करता हूं, करता रहूंगा। मैं हर कौम का एहतराम करता हूं, पंजाबी, बलोची, सिंधी, सराइकी, गिलगिती, बल्तिस्तानी, हजारवाल, हर मजहब, खा वो गैर मुस्लिम क्यों ना हो, मैं उनका भी एहतराम करता हूं और उनके एहतराम का दर्ज भी देता हूं, उनकी इबादत गाहों के तकद्दस को मजरू करने के सख्त खिलाफ हूं, उनके इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाने के सख्त खिलाफ हूं, उन पर झूठे ब्लेसफेमी के अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह की शान में नाउज़ुबिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के जुर्म में हमने इसको पकड़ा, कत्ल कर दिया, मार दिया
और हमने जला दिया इसको, ये कतई और कतई गैर इस्लामी, गैर इंसानी। फेल है जो ऐसा कर रहे हैं, वो इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं, और जो इंसानियत का कत्ल करता है वो अल्लाह तबारक व ताला को पसंद नहीं। जब अल्लाह को पसंद नहीं तो उसके आखिरी नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अमल कैसे पसंद हो सकता है? जाहिल उलमा, मेरी तो हुकूमत नहीं है, मेरी हुकूमत इसीलिए तो मुल्ला मेरी मुखालफत करते हैं। मेरी हुकूमत हो तो मैं ये सारे मुल्लाओं का सारा धंधा बंद कर दूं और इनको भी लगाऊं कि मस्जिद, चलो तुम मस्जिद में काम करो, सफाई भी करो, इसकी धुलाई भी करो, ये तुम्हारा फर्ज है, हम तुम्हें तनख्वाह देते हैं, काम करो। तो ये मैं, मेरा टॉपिक नहीं है इस वक्त मुल्लाओं से, जो जो मुल्लाओं ने, आपको शायद याद नहीं है, पाकिस्तान में बड़े बड़े चार किताबें पढ़कर टीवी पे भी आते हैं, यूट्यूब पे भी आते हैं, फेसबुक पे भी आते हैं, और अपने अपने मदारिस बना के, अपने अपने अड्डे बना के वहां प्रोग्राम भी करते हैं, और लोगों को अपनी सोच का मजहब उन्हें बताते हैं। जिसने कलमा पढ़ लिया वो मुसलमान है, अब वो कैसे नमाज पढ़ता है, कैसे इबादत करता है, हु द हेल यू आर टू डिसाइड? आई डोंट लाइक दिस एक्ट ऑफ वायलेंस, मर्डर्स। तो मुझे जवाब चाहिए पीटीआई के मरकजी रहनुमाओं से और पख्तून, खैबर पख्तून ख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर साहब से कि पीटीआई और पीटीआई के वजीर आला पुलिस के जरिए पीटीएम के कैंपों में आग क्यों लगवा रहे हैं, और अगर वो नहीं लगवा रहे तो उनकी पुलिस जो आग लगवा रही है उसका फौरी नोटिस वो क्यों नहीं ले रहे? अब मैंने ब्रॉड पे ये मुतालबा कर दिया है आज 3 अक्टूबर के दिन, लिहाजा फौरी तौर पर पुलिस को, आईजी को बुलाएं केपीके के, और पूछें मकामी इलाकों के जहां जहां आग लगाई गई है और लगाई जा रही है, वहां पुलिस से पूछें, वहां के एसपी डीएसपी से पूछें कि यहां कौन सी पुलिस आग लगा रही है, कौन से लोग आग लगा रहे हैं, ताकि केपीके के अवाम के सामने असल हकायक आ सके। लिहाजा अवाम में इन हकायक को लाइए, ये मेरा मुतालबा है। मैं पख्तून पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को, उनके साथियों को और उनके रहनुमा सरबरा मंजूर पश्तीन को यकीन दिलाता हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन जहाँ जब तक जिंदा है जुल्म को जुल्म कहता रहेगा, और पीटीएम पर ढाए जाने वाले छोटा जुल्म हो या बड़ा जुल्म, जुल्म जुल्म होता है, तमाम मजालिम की मैं मजम्मत करता रहूंगा, नेशनली और इंटरनेशनली तौर पे, दोनों तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया, ये मेरे चंद सवालात थे। मैं आज हंगामी तौर पे इसलिए आया था, अब मेरा आज का हंगामी लेक्चर खत्म होता है। मैं मुस्तफ़ा अज़ीज़ाबादी से कहूँगा कि वो बराए करम मेहरबानी, हाँ करम करेंगे तो हम भी करम करेंगे,
हमारा तो ये नारा है जरा मुख्तसर सा तजिया पेश कर दें। जी भाई, जरूर। आदाब भाई। भाई, आपकी आज की ये हंगामी और मुख्तसर लेकिन बहुत अहम ये फिक्र नशिस्त है, और इसके इब्तिदा में ही, आगाज़ में आपने बहुत अहम जुमला इस्तेमाल किया है कि आइंदा 48 घंटे बहुत अहम हैं, और खुदा खैर करे क्या कुछ होता है अगले 48 घंटे में। और आपने सबसे ये कहा भी है कि वो होशियारी से काम कहना लें। चाहता आप हूँ, थोड़ी सी जी वजाहत कर दूं आजादी। जी 48 अहम घंटे पूरी दुनिया के तमाम इलाकों में के लिए है, जिसमें मिडिल ईस्ट भी शामिल है, जिसमें साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया के स्टेट्स भी शामिल हैं, जिसमें ईस्ट एशिया के भी ममालिक शामिल। मतलब मेरा यह है कि पूरी दुनिया है, इसमें अमेरिका भी है, बरतानिया भी है, रूस भी है, अरब भी है, मिडिल ईस्ट भी है, सब पूरी दुनिया है इसमें। मियाँ भाई, ये जो बहरहाल मिडिल ईस्ट में जो इस वक्त एक जंगी सूरत हाल है, उसके तनाजुर में गोया कि आपकी ये बात है कि आइंदा 48 घंटे इस दुनिया भर के लिए, खुसूसन मिडिल ईस्ट, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और इस खत्ते के हवाले से बहुत अहम है। दूसरी बात, आपने भाई जो खैबर पख्तूनख्वा में, डिस्ट्रिक्ट खैबर में पश्तून तहफ़ मूवमेंट की जानिब से जो ग्रैंड पश्तून जरगा, या जिसको कौमी अदालत कह रहे हैं, वो मुनक्किद होने जा रही है 11 अक्टूबर को, तो उस पर जो वहाँ की पुलिस की जानिब से जो कल भी वहाँ अटैक किए गए, फायरिंग की गई, शेलिंग की गई, खैमों को, कैंपों को आग लगा दी गई, जो पश्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से आने वालों के लिए पीटीएम ने लगाए हैं, और फिर उस पर आपने कहा कि कल भी ये वाक़यात हुए हैं, और ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि आज भी वहाँ पर पुलिस और दीगर फोर्सेस की तरफ से वहाँ पर खैमों पर दोबारा हमले किए गए हैं, और वहाँ उनको आग लगाई गई है, शेलिंग की गई है उन पर। आपने इस सूरत हाल पर सवाल किया है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से, जो पीटीआई की हुकूमत है और जिसके वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब हैं, आपने अली अमीन गंडापुर साहब है, लेकिन इस वक्त जिस वक्त आप ये अली अमीन गंडापुर का लफ्ज कहा था, तो इस वक्त बछोरा नेबरहुड, ये कोई बैरूत में जगह है जहां पर बहुत बड़े पैमाने पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर दी है, और सेंट्रल बैरूत पर हमले जारी हैं। जी हाँ भाई, ये इस वक्त ताज़ातरीन ये ब्रेकिंग आ भी रही है, और इसराइली फिजाइया की जानिब से कहते हैं कि वो वहाँ के एयरपोर्ट्स और मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी की गई है, और एक हिजबुल्ला के एक अहम रहनुमा हैं, उनकी हलाकत का दावा किया जा रहा है, हाशिम सफीउद्दीन का। खाली हाफिज वो नहीं, हाफिज साहब ही नहीं, बल्कि जर्नलिस्ट और ये जो मेडिकल एड वर्कर्स होते हैं, एम्बुलेंस से लेके जाते हैं, उन पर भी हमले हो रहे हैं, और काफी पैरामेडिक्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स, एम्बुलेंस वाले और नर्सें, मर्द, औरतें, ये काफी शहीद हो चुके हैं। जी, जी हाँ भाई, और शायद इसी सूरत साफी हाल के का साथ मैंने कहा नहीं, आपने साफी का, जर्नलिस्टों का, फोटोग्राफर्स, जर्नलिस्ट जी आपने वहां कहा जो है, मौजूद है। जी जी आपने कहा है, और शायद यही सूरत हाल है जिसके आपने बिल्कुल स्टार्ट में इशारा दिया था कि आइंदा 48 घंटे बहुत अहम हैं, तो सूरत हाल हमारे सामने आना शुरू हो गई है। तो
भैया आपने पीटीएम के कैंपों पर जो हमले हो रहे हैं, उन्हें आग लगाई जा रही है पुलिस की जानिब से, उन्हें तबाह किया जा रहा है, और इस पर आपने सवाल किया है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वहाँ पीटीआई की है और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब हैं। आपने सवाल किया है कि पीटीएम के पश्तून तहफ़ मूवमेंट के जो खैमे हैं, कैंप्स हैं, इनको आग क्यों लगाई जा रही है, और आपने सवाल किया है कि अगर पीटीएम से, पश्तून तहफ़ मूवमेंट से, उनके सरबराह मंजूर पश्तीन से आपका कोई सियासी या नज़रियाती इख्तलाफ़ है, तो वो इख्तलाफ़ रखना आपका सियासी जमहूरी हक है, आप उनसे इख्तलाफ़ रखें, लेकिन इस इख्तलाफ़ की बुनियाद पर उनके इज्तिमा के सिलसिले में जो उन्होंने वहाँ पर तैयारियाँ की हैं, जो खैमे लगाए हैं, उन पर हमले करना, फायरिंग करना, शेलिंग करना, उन्हें आग लगाना, ये सरासर गैर इस्लामी, गैर मुआशरती, गैर जमहूरी आमराना इकदाम है। और आपने कहा है कि पीटीआई की हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी जमात अगर जलसे जुलूस करे, तो वो अगर उस जमात से तआवुन नहीं कर सकती हो, तो कम से कम वो उसकी राह में रुकावटें ना डाले, उनके कैंपों को, उनके खैमों को और उनके इंतजाम जो हैं उनको, उन पर हमले ना करें, उनको जलाना, भस्म कर देना, तबाह करना, ये किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है। और फिर आपने ये भी कहा कि पीटीआई के लीडरों से गुजारिश की है कि वो बताएं कि पीटीएम के कैंपों को आग कौन लगा रहा है, कौन उन पर शेलिंग कर रहा है, कौन उन्हें उन पर हमले कर रहा है, और पीटीआई की हुकूमत है वहाँ, वज़ीर आला पीटीआई के हैं, वज़रा हैं उनकी मौजूदगी में, वहाँ की पुलिस जो कि सूबाई हुकूमत के मातहत होती है, वो क्यों पीटीएम के कैंपों पर हमले कर रही है, उन्हें आग लगा रही है। फिर आपने एक लॉजिकल क्वेश्चन आपने एक रेस किया है कि अगर पीटीआई की जो हुकूमत है पख्तूनख्वा की, उसकी पुलिस की जानिब से जो ये हमले किए जा रहे हैं, तो अगर इसी तरह से इस्लामाबाद में जो मुस्लिम लीग नून की वफाकी हुकूमत है या पंजाब में जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, अगर वो खाली इस्लामाबाद नहीं बल्कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, लाहौर है, फैसलाबाद है, मियांवाली है, वो जो जो पंजाब, सॉरी फैसलाबाद है, भावलपुर है, मुल्तान है, जहां जहां, मतलब सारे पूरे पंजाब में जी, तो पूरे पंजाब में, लाहौर समेत पूरे पंजाब में जहाँ ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तो अगर मुस्लिम लीग, और इसमें सिंध को, बलोचिस्तान को भी शामिल कीजिए, जी जी बिल्कुल, इसी तरह से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है बलोचिस्तान में और सूबे सिंध में, तो अगर यही अमल पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और बलोचिस्तान और सूबे सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत पीटीआई के खैमों पर, पीटीआई के कैंपों पर, उनके जलसे जुलूसों को नाकाम बनाने के लिए उनके कैंपों पर हमला करे, उनके कैंपों को आग लगाए, तो क्या फिर उसको आप नाजायज़ कह सकते हैं, जो अमल आप पख्तूनख्वा में पश्तून तहफ़ मूवमेंट के कैंपों पर हमले करके कर रहे हैं? और आपने पीटीआई की लीडरशिप से बशमूल खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर ये हमले बंद कराएं पीटीआई पश्तून तहफ़ मूवमेंट के कैंपों पर, ये जो हो रहा है, जिनको आग लगाई जा रही है, और आपने कहा है कि फौरी तौर पर वो वहाँ की आईजी से, वहाँ के पुलिस और डीएसपी से और दीगर इंतजामिया के हुकाम से बुलाकर उनसे सवाल करें, उनसे पूछें कि ये क्यों किया जा रहा है, ये अमल बंद कराएं, और जो लोग भी कर रहे हैं उनके बारे में तफसीलात से आवाम को आगाह किया जाए। आपने पश्तून तहफ़ मूवमेंट के तमाम रहनुमाओं से, खुसूसन मंजूर पश्तीन साहब को यकीन दिलाया है कि ये जो जुल्म हो रहा है आप उसकी मजम्मत कर रहे हैं और करते रहेंगे, खा छोटा हो बड़ा हो, और न सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली भी इस पर आप मजम्मत करते रहेंगे। और यहाँ आपने मजहबी जो जुनूनी
इंतहा पसंद अनासर उनकी जानिब से जो वो हमले होते हैं, आपने उनकी भी मजम्मत की है और कहा है कि मैं पश्तूनों का एहतराम करता हूँ, मैं तमाम कौमों का एहतराम करता हूँ, तमाम मज़ाहिब और तमाम मसालिक के मानने वालों का भी एहतराम करता हूँ और मज़ाहिब और अकायद के इख्तलाफ की बुनियाद पर उन पर हमले करना, उनकी इबादत गाहों को तबाह करना, उनका कत्ल करना, ये इंसानियत का कत्ल है और इंसानियत का कत्ल अल्लाह ताला को पसंद नहीं, और जब अल्लाह ताला को पसंद नहीं तो उसके नबी आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पसंद हो सकता है। ये भाई आपकी आज की इस अहम नशिस्त का, मुख्तसर नशिस्त का ये खुलासा हुआ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। मेरी आज की इस नशिस्त, मुख्तसर सी नशिस्त के बारे में जो मैंने आगाही दी है, उसके बारे में कोई अगर सवाल करना चाहे तो मैं मोइन तस्लीमा जी मोइन खान भाई जी। भाई साथियों ने, बोर्ड पे लोगों ने रिक्वेस्ट की हुई, भाई हम उनको लेते हैं। जी चौधरी नवीद की आईडी से आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए आज की बोर्ड के हवाले से, भाई ने जो गुफ्तगु की है। हेलो हेलो, ये मैं मोहसिन सईद भाई से बात करूंगा, अपना माइक अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। ये क्या मेरी तरफ से तो इंटरनेट ठीक है जी भाई? ठीक है, ये उनकी तरफ से प्रॉब्लम है भाई। ये साउथ लंदन की आईडी से अपना माइक अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। यासू की आईडी से अपना माइक अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। यासू की आईडी से अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, मेरी आवाज़ नहीं आ रही आपको? हाँ भाई अल्ताफ भाई। जी भाई बोले। आपकी नशा सुनी है अभी, बहुत ज़्यादा जो है ना खुशी हुई है। ठीक है, अल्लाह आपको कामयाब करे और इसी तरह से जो है ना काम करने की तौफीक दे। आमीन। और वो केस पे भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो जो आप जीते हैं। जज़ाकअल्लाह। ये जो अभी मैंने बात बताई है पीटीएम, इसके बारे में कोई सवाल है आपका? इसके बारे में अल्ताफ़ी मैं बहुत दोस्तों से कहूँगा कि उनका अगर है तो करें, बाकी मेरा कोई नहीं है, मैं समझ गया सारी चीजें। जी जज़ाकअल्लाह। आपने भी कहा कि इस तरह नहीं करना चाहिए, बहुत शुक्रिया। एमकेएम लॉस एंजेलिस की आईडी से अपना माइक अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। जी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है, बिल्कुल साफ आ रही है। जी भाई आदाब, भाई मेराज बात कर रहा हूँ लॉस एंजेलिस से। तस्लीमा तस्लीमा तस्लीमा, जीते रहिए मेराज मियां जी। भाई एक सवाल, ये पीडीएम के जो अभी वाक़या हुआ इससे एक जन्म देता है सवाल जहन में, आप उस पर थोड़ी राय चाहिए थी आपकी, कि ऐसा नहीं लगता भाई कि पीटीआई की जो टॉप लीडरशिप है वो इस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक में आने के लिए थोड़ा सा उनका झुकाव जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ हो गया है, और इमरान खान साहब क्योंकि जेल में हैं, क्योंकि अभी तकरीबन 1.5 महीने पहले एक जलसा भी उनका जिस तरह से कॉन्ट्रोवर्सी पैदा हुई थी कि कैंसिल हो गया था, उस पर काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, अलीमा ख़ान ने भी काफ़ी बड़ा बयान दिया था उसके ऊपर। तो भाई मेरा सवाल ये कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनकी जो टॉप लीडरशिप है
एस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक में आने के लिए थोड़ा झुकाव उनका उनकी तरफ हो गया है और उन्हीं की बात को आगे परस्यू कर रहे हैं। तो भाई इसमें राय चाहिए थी आपकी, भाई रोशनी डालिएगा जरा। शुक्रिया। महराज मियाँ, महराज मियाँ, मैं अपने अपने मुतअद्दिद स्टडी सर्कल्स में, फिक्री नशिस्तों में इसका खुलकर इजहार कर चुका हूं कि पीटीआई की लीडरशिप की एक बड़ी तादाद जो है लगता है कि वो कंप्रोमाइज्ड हो चुकी है। लेकिन मसला ये नहीं है कि वो कंप्रोमाइज्ड हो चुकी है, मेरा इस वक्त सवाल तमाम लोगों से है जो कंप्रोमाइज नहीं हुए हैं, वो तो जवाब दें कि ये पीटीएम पे हमले क्यों हो रहे हैं। जी भाई बिल्कुल बजा आपने फरमाया, लेकिन मसला यही आता है कि आम कारकुन, चाहे वो मतलब पीटीआई का हो, जवाब दे तो मीडिया पर आकर के यही लोग दे सकते हैं ना, कि फैसले करने वाले तो यही लोग हैं। आम कारकुन को तो सिर्फ मतलब बोल दिया जाता है कि जलसों में आना है तो वो जलसों में चले जाते हैं, एहतजाज करना है तो एहतजाज में चले जाते हैं, लेकिन फैसला कुन जो मरहले से गुजरती है वही टॉप लीडरशिप ही गुजरती है ना। तो भाई ये तो आ ही नहीं रहे, मतलब इनके सिर्फ अमल से ऐसा लग रहा है कि हाँ इनका झुकाव हो चुका है, लेकिन अब इस तरह से अगर ये अपने कारकुनों को बेवकूफ़ बना रहे हैं तो ये तो मतलब बहुत बड़ा तजाद है पीटीआई की टॉप लीडरशिप के अंदर। जी महराज मियाँ, मैं इसका अपने खदशात का जब इजहार करता हूं तो लगी लिपटी नहीं रखता, मैंने बड़ा खुल के इजहार किया है। शुक्रिया आपके, ये सवाल था। जी काशिफ खान, अपनी अपना माइक अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए काशिफ खान की आईडी से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं भाई आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का मैं दुआएं चाहूँ। वालेकुम सलाम, अल्लाह का मैं दुआएं चाहूँ। अच्छा भाई, मुझे एक सवाल आपसे ये करना था कि मिडिल क्लास के हवाले से। बोले 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 बोले, म्यूट हो गया आपका काशिम मियां, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। काशिफ खान अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। काशिफ अनम्यूट कीजिए, आपका म्यूट हो गया है। काशिफ अनम्यूट कीजिए, हो गया, म्यूट हो गया। जी 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 सर, सर सॉरी सर जी। अच्छा भाई, मेरे सवाल एक छोटा सा ये था कि मिडिल क्लास के हवाले से ना, जैसे हम यंग स्टार लड़के हैं तकरीबन 30-35 इस उम्र के, हमारी तालीम नहीं है तो हमें सरकारी नौकरी भी नहीं मिलती, और दूसरी बात यह कि हम किसी जगह जॉब के लिए भी जाते हैं ना, प्राइवेट जॉब के लिए, तो वहाँ भी हमारे को नौकरी नहीं मिलती क्योंकि अब हमारी तालीम ही नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे ऐसी उम्र में? देखिए काशिम मियाँ, ये तो आज के मौजू से, ये तो आज से हट कर सवाल है, मेरे मौजू से हट के सवाल है, लेकिन बात दरअसल ये है कि जब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के पढ़े लिखे लोगों की हुकूमत कायम होगी तो घायल की गद, घायल जाने और न जाने कोई जो जख्मी होता है, जिसको दर्द होता है, तकलीफ होती है, वही दूसरे तकलीफ वाले फर्द की तकलीफ का एहसास कर सकता है, परेशानियों का एहसास कर सकता है। इसके लिए पूरे मुल्क में इनकलाब लाना होगा, जागीरदाराना, वडेराना, सरमाया दाराना, ये सारा निजाम खत्म करना होगा। गरीब मुतवस्सित तबकों का, से ताल्लुक रखने वालों का मिलकर, मैं मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, हारियों के साथ मिलकर इनकलाब लाना होगा, मुल्क में पूरा निजाम तब्दील करना होगा, उसके बगैर ये कुछ भी नहीं हो सकता। दरख्वास्त करूंगा ताहिर आवान की आईडी से, अपना माइक अनम्यूट कीजिए ताहिर आवान साहब। वालेकुम अस्सलाम, मेरा ताल्लुक एबटाबाद से है सर, खैबर पख्तूनख्वा के शहर एबटाबाद से। जी मैं यहाँ से मुंतखब यूथ काउंसलर हूँ, तो मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में
क्या तंजीमी अमूर चला रही है? जी बिल्कुल क्योंकि चल, नौजवानों को एक नए वलवले की ज़रूरत है, एक नई क़यादत की ज़रूरत है। पहले आप अपना यहाँ पर मौलवी मैं हजरात आपको थे। आपको देखिए, आपको जवाब दे देता हूं। आप अपना नंबर या तो मुस्तफा अजीजाबादी को दे दीजिए या मोइन खान को। आप इनबॉक्स में मोइन आपको मैसेज करेंगे। आप इनबॉक्स में जवाब देकर उनसे आप मरकज को ये नंबर चला जाएगा। कन्वीनर भी मौजूद है, वो आपको खामोशी से उन लोगों का, साथियों का नाम बता देंगे जो खैबर पख्तूनख्वा में, एबटाबाद में और मुख्तलिफ KPK में काम कर रहे हैं। ब्रॉड पर मैं उनके नाम नहीं बता सकता। भाई साहब, मैंने आपको ताहिर भी आपको फॉलो कर लिया है, मुझे फॉलो बैक कर लीजिए और इनबॉक्स में आपको मैं नंबर भेज देता हूँ जी जी अपना। ताहिर अवान भाई, सलाम अलैकुम। आपको मैंने फॉलो कर लिया है, आप फॉलो बैक दीजिएगा और नंबर भेजिएगा। हम नंबर एक्सचेंज कर लेंगे, हम आपसे रब्ता कर लेंगे। नेक्स्ट। सिराज गनी की आईडी से अपना माइक अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। सिराज गनी साहब, अपना माइक अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। महमूद अहमद जई से बात कहूंगा मैं, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। महमूद अहमद जई भाई, अपना माइक अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। महबूब अहमद जई जी, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अल्ताफ भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक। अल्लाह का करम। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 11 अक्टूबर को आप पख्तूनों को क्या मशवरा देना चाहते हो? मैं 11 अक्टूबर को तमाम पश्तूनों से कहता हूं, आप PTM के चाहने वाले या कारकुन हो या ना हो, पूरी पश्तून कौम के जितने कबीले हैं मगर वो पश्तून है, उनके कौमी हुकूक का ग्रैंड जरगा जो हो रहा है, आप उसमें शरीक होकर मुकर्ररीन की बातें सुने। कोई इख्तलाफ हो तो जिरगे में खड़े होकर सवाल करने का हक होता है, वो हक अपना इस्तेमाल कीजिए। ये अपील है मेरी सब पश्तूनों से कि वो इस जिरगे को कामयाब बनाए, ग्रैंड जिरगे को। थैंक नेक्स्ट। यू। मैं रियलिटी ऑफ रिलीजन्स की आईडी से, रियलिटी ऑफ रिलीजन्स, अपना माइक अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, बहुत शुक्रिया माइक को लेने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह खैरियत से आप इंशाल्लाह। अल्लाह सर सर, मैंने आपको काफ़ी स्टडी किया है, आज अच्छा मौका मिल गया आपसे बात करने का। इस टाइम जो करंट करंट सिचुएशन है पाकिस्तान में, और जो अगर हम आलमी सतह पे देखते हैं जो सिचुएशन चल रही है, जी, जैसा कि हम देखते हैं इसराइल के और उसके ईरान के और ये लबनान की सिचुएशन है, जी, और जो ईरान है ये हमारा नेबर कंट्री है, हमारा हमसाया मुल्क है, तो इसके कुछ असरात पाकिस्तान में भी पड़ेंगे। अगर आप क्या समझते हैं इसमें पाकिस्तान को क्या रोल प्ले करना चाहिए? रियलिटी ऑफ रिलीजन। भाई आपसे दरख्वास्त है कि मेरा आज एक ट्वीट, जी आज मेरा एक ट्वीट जारी हुआ है, कल भी मैंने बताया था, ठीक। और आज के ट्वीट में वो जारी हो चुका है। आप @अल्ताफ हुसैन_90 पर जाइए, मेरे ट्विटर हैंडल पर, आज उसमें पढ़ लीजिए, आपके सवाल का जवाब उसमें मिल जाएगा कि पाकिस्तान के बारे में मैंने बताया है कि जो इत्तलात है वो मैंने बयान कर दी है कि पाकिस्तान के जर्नैल फौजी, ISI के जर्नैल अपने मफादात के लिए इस ताजा तरीन मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट में वो वेस्ट अमेरिका बर्तानिया के मफादा, यानी उनके मफादात नहीं, अपने अपने डॉलर्स के लिए
पाउंड्स के लिए वो मजलूमों पर जो बम्बार्टमेंट हो रही है उन जालिमों का साथ दे रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये साफ बयान कर दिया है मैंने। वेरी गुड सर, ये तो बिल्कुल अच्छी तरफ आपने इशारा किया है और यही चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो फ्रंट लाइन पे कुछ और पॉलिसीज़ हैं, लेकिन मैं जो समझ रहा हूँ जो आर्मी की पॉलिसीज़ हैं या जो करंट सिचुएशन है पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान में जी, वो फ्रंट लाइन पे कुछ और है लेकिन बैकेंड पे कुछ और चीज़ें हैं। बिल्कुल, और जो बैकेंड पे चीज़ें हैं वो उनका इम्प्लीमेंट हो रहा है और जो फ्रंट लाइन पे वो सिर्फ अनाउंसमेंट हो रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिसको एक तरफ कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि बड़ा जुल्म हो रहा है जी लबनान में और फलस्तीन में, और दूसरी तरफ मुकम्मल उस जुल्म में शामिल हैं। बिल्कुल सर, बजा गई आपने, बिल्कुल ये बहुत मुनाफिकत वाली बात है, मैं तो समझता हूँ ये तो मुनाफिक तर्ज अमल है। बिल्कुल सही तरह इशारा किया, कश्मीर में क्या हो रहा 70 साल से। तो मेरे भाई आप, मैंने आज मेरा ट्वीट पढ़ लीजिएगा, आज का भाई उसका ट्वीट का कोई झलक इधर दिखा दो, अगर दिखा सकते हो तो। ये आप सुनो मेरी, कश्मीर में क्या हो रहा आपको पता? मुझे पता है पूरा कश्मीर का। कश्मीर में क्या हो रहा आपको पता? मुझे पता है, मैंने कश्मीर में जितनी मैंने बात की है पाकिस्तान में किसी लीडर ने नहीं की, किसी लीडर ने नहीं की। लेकिन सर इस टाइम हम तो कोई लीडर देख ही नहीं रहे हैं पाकिस्तान में, ये तो वही सिस्टम शुरू हुआ है जो पिछले 70 साल से चल रहा है। लीडर या ना हो, जो मेरा फर्ज है मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ ईमानदारी के साथ, मुझे अल्लाह के यहाँ जवाब देना है वो सो मैं कर रहा हूँ। जज़ाकअल्लाह। मैं आपको भाई का जो ट्वीट है आपके लिंक पे आपको भेज दूंगा, ठीक है? शुक्रिया साथी, प्लीज मैं दरख्वास्त करूंगा हारिस उस्मानी भाई से, वो अपना माइक अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। जी भाई आदाब। जी हारिस भाई बात कीजिए। जी भाई आदाब, आवाज आ रही है मुइन भाई? जी हारिस भाई। जी भाई पॉज पे हैं शायद मुइन भाई। जी हारिस। जी भाई आदाब भाई, तस्लीमात, कैसा है बेटा? बस भाई अल्लाह का शुक्र भाई, आज का जो ट्यूट आपका है भाई, ये आप माशाल्लाह से 40 साल से आप जो है ये बातें कह रहे हैं, जब अफगान पाकिस्तान रशिया की जंग हुई उसमें भी आपने फरमाया था पख्तूनों इस्तेमाल हो रहे हैं तालिबान के चक्कर में, और आज की ताज़ा तरीन यह है कि राहिल शरीफ 40 मुसलमान मुल्कों के सरबरा आज की तारीख तक मौजूद हैं, और ये वही, और उसके अलावा ज़ियाउलक ने फलस्तीनियों पे गोलियां चलाई थी, ये भी आपने ही सच्चाई बताई हमें नहीं पता। बेशक। तो भाई ये सिलसिला शुरू से चलता हुआ आ रहा है, और आज आपने एक और रिमाइंडर दिया अपने ट्वीट के अंदर कौम को, जैसा कि लोगों को नहीं मालूम था लेकिन आज फिर आपने खबरदार किया है कौम को कि ये बैक फुट पे कुछ और हैं और फ्रंट फुट पे कुछ और हैं। तो भाई बस यही कहना था भाई, थैंक यू भाई। जीते रहो बेटा, बहुत बेटा बहुत तुमने अच्छी बात की, अल्लाह और भी तौफीक दे के वो इस बात को सुने। ठीक है, फैजान खान की आईडी से अपना माइक अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। वालेकुम सलाम, मैं फैजान खान की आईडी से अपना माइक अनम्यूट किया, आप पहले भी आए थे, आपकी बात नहीं हो पाई थी, बात कीजिए। भाई को बात दे रहे हैं, भाई से बात कर रहे हैं। जी बात कीजिए। रियल आईडी से आ रहे हैं, खुदा की कसम उमर का बैठा हूं, रियल आईडी हूं, भाई का शिकारी हूं, भाई का छोटा बच्चा हूं मैं।
अरे मेरे बेटे भाई, अल्लाह खुश रखे, खुदा की कसम हम डरने वालों में से नहीं है, रियल आईडी से आते हैं, रियल फेस है, फिजान खान नाम है, कश्मीरी हूँ, पठान हूँ, सोदाई हूँ, आपको समझ गया आपे? मैं आपको समझ गया, आप डरने वालों में से नहीं हूँ, राय नहीं सुने, ISI आए, माँ के कुसा सबका भाईजान, आप सबसे बड़े, अरे गाली न बके, गाली न बके, गाली न बके। जी रमीज खान की, रमीज रमीज रियाज की आईडी से अपना माइक अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। रमीज रियाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का करम है। अच्छा भाई, मुझे एक चीज ये पूछनी थी कि इमरान खान जो पीटीआई के लीडर है भाई, आपका क्या ओपिनियन है इनके बारे में? ये इस वक्त तो हक और सच के लिए लड़ रहे हैं, डटे हुए हैं, ये इस वक्त की बात कर रहा हूँ। और भाई इनके लीडरशिप के हवाले से, जो इनकी टॉप लीडरशिप है, इनके हवाले से अक्सरियत कंप्रोमाइज्ड हो चुकी है, कुछ लोग लीडर्स हैं भाई, जो कल इनका जो एहतजाज भी होने जा रहा है इस्लामाबाद में, उस एहतजाज को मैं अपील कर सकता हूँ, किसी को मजबूर तो नहीं कर सकता कि भाई इसमें पीटीआई का मेंबर हो या मेंबर ना हो, ये मजालिम के खिलाफ एहतजाज है, इसमें ज्यादा से ज्यादा खुदारा शिरकत करें और इसे कामयाब बनाएं। तो भाई आपकी हिदायत क्या है हमारे लिए कि हम इस एहतजाज में जाएं या अपने लोगों को बेचने की कोशिश करें? बिल्कुल जाएं, बिल्कुल जाएं, बिल्कुल शरीक हो। और भाई जहां इनका इलेक्शन होते हैं वहां पे, जहां हमारी पार्टी नहीं होती है, तो भाई ये आप देखे ना, आप कल के बारे में सवाल किया, अब आइंदा के बारे में, जब आइंदा आएगा तो फिर बताएंगे। आगे चलिए जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा समीरा बट की आईडी से अपना माइक अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी अल्ताफ हुसैन साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है, आपकी दुआएं चाहिए, अल्लाह का करम है, आप कैसी हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। मैं भी यूके से बात कर रही हूँ और बहुत अच्छा लगा आप आपकी आवाज़ सुन के रेल में, और आपसे बात करूँगी। बहुत शुक्रिया, बड़ी इनायत, बड़ी मेहरबानी। आप मुझे एक बात का, मैं हमेशा जब से आपको देख रही हूँ, मतलब स्टडी करते हुए पाकिस्तान में भी, अब तो हम यूके में हैं, ग्लासगो में मैं, तो मुझे आपसे ये पूछना है कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं जाते? इसका जवाब मैं बहुत दफ़ा दे चुका हूँ। आप चलिए, आपने ये सवाल पूछा है ना, आप किसी से भी मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवा दे, पाकिस्तानी एम्बेसी बना सकती है, मुझे नादरा कार्ड जारी कर दे, मेरा पासपोर्ट बना दे, मैं कल पाकिस्तान चला जाऊंगा, आप बनवा दें। जिस दिन आप बनवा देंगी मैं दूसरे दिन चला जाऊंगा, वादा। जी ठीक है, मुझे असल में आपके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन आप सियासत का हिस्सा हैं, और आप जब से हम देख रहे हैं लंदन में, मैं थोड़ा हिस्ट्री पढ़ूंगी आपके बारे में, लेकिन आप आते हैं टिकटॉक पे, मैं दोबारा भी बात करना चाहूँगी आपसे। मोस्ट वेलकम, जब आपका दिल चाहे आप आइए, सवाल कीजिए, जो दिल में बात और हो। आप लंदन में हैं या किस सिटी में आई? लंदन लंदन लंदन। चले, कभी शर्फ भी हासिल हो सकता है आपसे मिलने का? नहीं हो सकता, लाखों लोग, हजारों लोग, सैकड़ों लोग, दर्जनों लोग, मैंने देखिए ये दर्जन से लाखों कर दिया, अब मैं दर्जन से आधा दर्जन, मुख्तलिफ पाकिस्तान के यानी कश्मीरी, हजारवाल, गिलगिती, बल्तिस्तानी, हिंदी, बलोच, पख्तून और पंजाब से बेपनाह लोग आते हैं,
मेरे प्रोग्रामों में शरीक होते हैं और ना भी हो तो जब वो आते हैं उनसे मुलाकात होती है, मैं उनके सवालात के जवाब बात देता हूँ। मेरे लिए कोई कैद नहीं, आप आए मैं आपसे मुलाकात करूँगा इंशाल्लाह जरूर। और एक छोटा सा सवाल है, बड़ा अहम, आपने शादी क्यों नहीं की अभी तक? आप चले, इसका जवाब आप सामने, आप जब आएंगी तो आपको दे दूंगा। बाजी मैंने आपको रिक्वेस्ट फॉलो कर लिया, इंशाल्लाह प्रोग्राम होंगे आपको रिक्वेस्ट करेंगे, बुलाएंगे आपको। जी ठीक है, मैं भी फॉलो कर लेती हूँ तो इंशाल्लाह ताला फिर आप साहब से बात होती रहेगी। शुक्रिया बाजी, थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू, जजाकल्लाह। खुश रहिए, जीती रहिए, जहाँ रहिए खुश रहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमजा अमीन की आईडी से अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जी जी, अनम्यूट हो गया। अच्छा अल्ताफ अंकल, मैंने आपसे दो सवाल करने हैं। हाँ बेटा करो। पहला सवाल तो ये है कि आपका क्या ओपिनियन है कि जो पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस ख़राब है आरएसएस आइडियोलॉजी की वजह से, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये 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 आपका मुतासिबाना सवाल है बहुत। जी पूछिए ना आप क्यों। असल में मैं हूँ पठान और मेरी जो उर्दू है वो लिसन, इट इज अ क्वेश्चन विच बेस्ड ऑन प्रेजुडिस बायस और व्हाट शुड आई से क्रिटिकल क्वेश्चन ऑन, इट इज नॉट ओनली अ क्वेश्चन, इट इज अ ब्लेम ऑन ISR। अच्छा चले हम इस क्वेश्चन को स्किप कर लेते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं आपको भागने नहीं दूंगा। क्यों करें आप, क्योंकि अब मैं आपको मैंने पकड़ लिया है ना। नहीं नहीं पकड़ा तो नहीं है। नहीं पकड़ लिया है मैंने, सवाल में पकड़ लिया है। अच्छा आप बताएं, आप बताएं, आप बताएं, आप मुझे ये बताइए कि 47 में 48 में ISSR ने पाकिस्तान पे हमला किया था या पाकिस्तान के फौज ने? पाकिस्तान की फौज ने किया था ना। अब आप मुझे इसका सवाल का जवाब दीजिए कि 65 की जंग में कश्मीर फतह करने के लिए फौजें किसने भेजी थी? देखिए अभी मैं खुद पाकिस्तानी हूँ लेकिन इस सवाल का जवाब मेरे पास है नहीं, क्योंकि देखिए मैं यही कह रहा हूँ, पढ़ लीजिए। मैं आपको बताता हूँ देखिए, ना तो 65 में पैदा था और ना मैंने हिस्ट्री इतनी। देखिए आप पैदा हुए हो या ना हुए हो, इफ यू आर बॉर्न और नॉट बॉर्न, बट द हिस्ट्री रिमेन देयर ऑल द टाइम, हिस्ट्री इज अवेलेबल and you go and research the history of all the wars. History indeed is available, but let me complete my sentence. Read the history regarding the wars happened between Pakistan and India. Who were the initiators? Either India or Pakistan. Number one. Second, then which was the country who felt defeated, approached the United Nations and begged them to stop the war? Second question. And third question. So what you're trying to imply is that Pakistan is not trying to solve the problems with India. Pakistan army is not an independent army. Pakistan army is a colony, is a proxy of America and Britain. I'm not sure if I agree with you. I don't mind.
I respect your feeling. I really, even if you don't accept, even then, I love your question. I love you. And I like your questions. I don't mind, my dear. But I request you to please, please go through history. Indeed, I will when I get the time for it. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. अर्शु की आईडी से अपना माइक अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ साहब, कैसे हैं सर आप? दुआएं चाहिए। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मेरा आपसे क्वेश्चन मौजूदा पाकिस्तान की सियासत पे, कि पाकिस्तान की सियासत को किस समझ जाते हुए आप देख रहे हैं? पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है हमारी कंट्री में, किस समझ, आपका तज्जिया क्या कहता है इस पे? मेरा तज्जिया ये कहता है कि अगर पाकिस्तान के अवाम ने, देखिए कौमों को बचाने के लिए और कौमों को बनाने के लिए जहां लीडर्स आते हैं वो उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक के अवाम की अक्सरियत उनके साथ ना हो जाए। इसी तरीके से कोई लीडर 1000 अल्ताफ हुसैन ले आए, 1000 इमरान खान ले आए, कोई सिस्टम को तब्दील उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक के उसे, उसकी मूवमेंट को आवाम की हिमायत हासिल ना हो। जी जनाब। मैं दरख्वास्त करूंगा नौमी की आईडी से अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाई, मेरा सवाल ये है कि कराची की वो रौनकें कब वापस आएंगी भाई? जब आप गद्दारों को भगा देंगे। ठीक भाई, वो रौनकें भाई हम बहुत दूर हो गए उन रौनकों से, तो हिम्मत कीजिए, जमा कीजिए लोगों को, इन गद्दारों को भगा दीजिए कराची से, हैदराबाद से निकाल दीजिए इनको बाहर, आने ना दे इनको कराची और हैदराबाद में। ठीक है भाई। मैं दफा सुनूंगा फराज लंदन की आईडी से। फराज भाई, वालेकुम अस्सलाम। तुमने प्रोग्राम भी किया, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, सब कुछ किया। अरे यार, अभी तक तुमने कोई ऐसा काम नहीं किया, बुरा नहीं मानना, कि जिससे लोगों को पता हो कि अल्ताफ हुसैन और दीगर लीडरों में क्या फर्क है। यही मेरा सवाल भी अल्ताफ भाई ये था। मैं तो 10 दफा बोल चुका था कि इंटरव्यू करने आ सकता हूँ, तो अभी तक मुझे किसी ने इनवाइट ही नहीं किया। नहीं तो आप इंटरव्यू के बगैर भी तो कर सकते हैं, अब तो बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं। मेरा सवाल अल्ताफ भाई ये है कि आपकी सालगिरह में भी आपने एक छोटा सा नुक्ता उठाया था, और वो ये था कि जब ऑल लीडरान कोई बात करते हैं तो कुछ और होती है, और जब अल्ताफ हुसैन बात करते हैं तो उसको गद्दार कहा जाता है। और उसको सर, वो उस दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, चले उस दौर में तो लोगों को जो बताया गया, जो लोगों ने सुना वो सुन लिया। मेरा सवाल ये है अल्ताफ भाई, कि अभी भी जब आप इतनी जो एफर्ट्स कर रहे हैं, इमरान खान के हक में बात कर रहे हैं और चीज़ें बात कर रहे हैं, तो एक स्पेशली कुछ तबके हैं जो इस चीज़ को अभी भी यही कहते हैं कि नहीं जी, बाकी तो सब चीज़ें सही हैं, हम इनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये दहशतगर्द हैं या और चीज़ें। इनको किस तरीके से आप आज के दौर में उनको किस तरीके से उनको गाइड करें, या उनको उनको क्या करें कि उनको आप बताएंगे देखें भाई ये सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट पे थी। फराज मियां, मैं किस तरीके से जवाब दूं? तारीख के हवाले से, फिलोसफी के हवाले से, इस्लाम के हवाले से, तारीख के हवाले से, किस हवाले से जवाब दूं? आप एक चॉइस बता दीजिए।
मेरे ख्याल से आप अगर मौजूदा तारीख के हिसाब से बताएं कि आपकी जो पीछे हर कोई आकर कहता है कि 90s के दौर में जो जो आपने बातें की थी वो सही हुई हैं, तो इसका मतलब है कि आप उस टाइम पे भी सही थे और अभी भी सही हैं। बट लोगों का ये प्रिस्क्रिप्शन जो PTV पे दिखाया जाता था वो अभी तक हम लोगों को भी लोग कभी हम कराची की बात करते हैं तो हमको बोलते हैं यार आप तो दहशतगर्द तो नहीं है, आप वो इस तरह बात करते हैं, ये जो लेवल है ये कैसे हट सकता है इस लिहाज से? तो मैंने इसका जवाब आपको दिया, आप इसका जवाब इस्लाम के नाम इस्लाम की तरफ से चाहते हैं, फिलोसफिकल चाहते हैं, हिस्टोरिकल चाहते हैं, हिस्टोरिकल ये है कि ये सारे जो मेरी मुखालफत करने वाले हैं ये गुलामाना जहनियत के शिकार हैं अब तक, जो अंग्रेज ने 250-300 साल बिलवास्ता या बिलावास्ता पूरे हिंदुस्तान पर अपना कब्जा करके लोगों की ब्रेन वॉशिंग की, ये उसी का नतीजा है। और मौजूदा पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बरतानवी और अमेरिकन और वेस्टर्न पावर के प्रोपेगेंडे पॉलिसीज, उनके फैलाए गए नजरियात आइडियोलॉजीज के शिकार मौजूदा पाकिस्तान में हुए, तो अल्लाह के फजल व करम से सूबे पंजाब के लोग हुए और उनमें से आज तक उनकी बकिया जेनेटिकली बॉर्न द सेम हेरिटेज ऑफ देयर पेरेंट्स एंड थॉट्स। ये मैंने आपको जवाब दे दिया। जी मैं दरख्वास्त करूंगा मिर्जा की आईडी से अपना माइक अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा भाई। वालेकुम। अच्छा सर, मेरा एक सवाल ये होगा कि माजी में जो कुछ हुआ, जिनसे भी गलतियां हुई, जो भी हुकूमत में रहे और डिफरेंट पॉलिसीज़ के तहत और स्ट्रेटजीज़ के तहत पाकिस्तान को आज इस नौबत पे पहुंचा दिया, ये तो हो चुका और हम तारीख पढ़कर और बार बार देखकर इन तमाम गलतियों को देखकर ये समझ गए कि गलतियां हुई हैं। अब अगला लाहे अमल सूबों में तफरीक करने के बजाय पाकिस्तानी बनाने के लिए, पाकिस्तान को एक कौम, एक एजेंडे पर, एक स्ट्रेटजी पर इकट्ठा करने के लिए ताकि हम बेहतरी की तरफ जा सकें, आपका उस पर अवाम पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज होगा भाई? थैंक यू। देखिए मिर्जा भाई, मेरा मैसेज ये है कि पंजाबी पंजाबी होने पर नाज करते हुए, बुरा नहीं मानिएगा प्लीज, बुरा तो नहीं मानेंगे आप मिर्जा, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं अल्ताफ भाई, आप बोलिए। डिबेट का मकसद ही ये होता है कि हम एक दूसरे के ख्यालात को एक्सेप्ट करते हुए, उसकी कदर करते हुए, उसके ऊपर कोई मुत्तफिका राय कायम कर सके। डेफिनेटली पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और अंग्रेजों की जो मौजूदा जुग्राफिया पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का मौजूदा जो जुग्राफिया है, इसकी जियोग्राफिकल बॉर्डर्स जो हैं, इसमें रहने वाले सबसे ज़्यादा किसी सूबे के, अगर पंजाब के ताबेदार गुलाम, उनके खिदमतगार और इस तरह खिदमतगार बने कि उन्होंने काबतुल्ला पे इन्हीं
वेस्ट पंजाब के लोगों ने गोली चलाई वफादारी साबित करने के लिए। अब जो हो गया वो हो गया, इसमें सारे पंजाबियों का कसूर नहीं है। ये वो लोग हैं जो उस वक्त गद्दा नशीन थे, अपने अपने इलाकों के बड़े बड़े जमींदार पंजाबी थे, उनकी अपनी आबादियां होती थीं, वो बादशाह होते थे अपने इलाके के, और वहां के पंजाबी मर्द औरतें बच्चे उनके गुलाम होते थे, और वो उनकी खिदमत गारी करते थे, उनकी इताअत व फरमा बरदारी करते थे। उनके साथ फिर मुल्ला मिल गए। अच्छा, मुल्ला जो है, दीनी मुल्ला सिर्फ मुसलमानों में नहीं, हर मजहब में मुल्ला हमेशा जाबिरों, आमिरों, गासिबों, कातिल हुक्मरानों के साथ रहा है। ये तबका मुल्लाओं का, मुफ्तियों का, ये बड़ी तल्ख बात है लेकिन तारीखी हकीकत है ये। उन्होंने पंजाब के लोगों को ये बताया कि ये गद्दा नशीन है फला मजार के, इनकी बात न मानना, जहन्नम दर जहन्नम नस्लों को पहुंचाना है। और तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे खानदान का हम इजाला कम अजाब इसलिए करा सकते हैं कि उनको हम अपने वफादार भेड़ियों के आगे डालेंगे, जो उसमें चाहे तुम में तुम्हारे घर के मर्दों को गुलाम बना ले और औरतों को कनीज बना ले। ये तारीख में आपको नहीं मिलेगा जो मैं बता रहा हूं, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा रिसर्च करेंगे तो आपको ये बात मिल जाएगी। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो नई नस्ल पंजाब की जो है वो कभी हकायक से वाकिफ थी ही नहीं, वो थी वाकिफ पंजाबी कॉलमनिस्ट, पंजाबी राइटर्स और अखबारात की। अच्छा, अखबारात सारे मालिकान किसी भी, कोई बड़ा अखबार आज तक जो आप देखते हैं आज के दिन तक, उसका मालिक न बलोच था न पश्तून था न सिंधी था न उर्दू स्पीकिंग था, उन सब के मालिकान पंजाबी थे। उन्होंने फॉलो किया फौज को, फौज तो थी ही हमेशा से बरतानिया अमेरिका की गुलाम। उन्होंने पूरी ब्रेन वॉशिंग करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, लेकिन सोशल मीडिया आने के बाद नई नस्ल को जो बातें पता लगी तो पहले तो उन्होंने यकीन नहीं किया, लेकिन जब बार बार तारीखी हकायक सबूतों शवाहिद के साथ आए तो उन्होंने स्टडी की, और स्टडी करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि हाँ, असल अंग्रेजों के जो वफादार कुत्ते थे वो पाकिस्तान की आजादी के बाद जमाने इख्तियार असल कायद आजम के पास नहीं मुंतकिल किया अंग्रेज ने, बल्कि अपने वफादार कुत्तों के हवाले किया जिन्होंने कायद आजम को कत्ल कर दिया, लियाकत अली खां को कत्ल कर दिया, मोहतरमा फातिमा जिन्ना को कत्ल कर दिया,
और उन्होंने नई नस्ल पंजाबियों की वो ऐसी बनाई कि बलोच गद्दार, पठान गद्दार, मुहाजिर गद्दार, सिंधी गद्दार, सिर्फ पंजाबी वफादार। ये एक साजिश के तहत ऐसा किया गया, किया नहीं गया, कराया गया, और कराने वाले पंजाबी फौज के जर्नेल हुआ करते थे और आज भी हैं, जिन्होंने ऐसा घनावना प्रोपेगेंडा किया। उसके तहत पंजाबी कौम जो है और नई नस्ल सोशल मीडिया के आने से पहले तक वो हर उस बात को कुरानी आयत की तरह सच और दुरुस्त समझती रही जो पाकिस्तान टेलीविजन और अखबारात बताते थे। और हर उस बात को जो टीवी अखबारात कह देंगे गद्दार है, उसको गद्दार समझने लगती थी। लेकिन सोशल मीडिया आने के बाद नई नस्ल ने जब पूरी दुनिया को देखा, उसका मुतालिया किया, और बास लोगों ने उसकी तस्दीकें की कि भाई ये बात है, ये आई है, इसको साबित, इसको देखें, ये सही भी है। जब उसका देखा तो उन्हें हकीकत पता लगी। तो पंजाबी नई नस्ल जो है वो फिर इमरान खान की शक्ल में एक आदमी पैदा हुआ जो खिलाड़ी था, जिसको सियासत की ना अलिफ न बे न ये मालूम थी, ना आज तक मालूम है उसको, माजरत के साथ। लेकिन उसने जो हकायक बयान कर दिए वो पाकिस्तान में कोई और उस तरह नहीं कर सका, जिसकी वजह से नई नस्ल और पढ़ने लगी, और अब वो इस नतीजे पर पहुंच गई है कि वो तस्लीम करती है कि हाँ, इस मुल्क को दो टुकड़े करने में न बंगालियों का हाथ है, न सिंधियों, महाजरों, पश्तूनों, सराइकियों, गिलगितियों का हाथ है, बल्कि पंजाबी फौज का हाथ है। और जितनी जंगें हुई 47 से 1947 से सिंस टुडे अप टिल नाउ, वो सारी फौज ने शुरू की और नाकामी की सूरत में अमेरिका के आगे जाके भीख मांगी उनके पैरों पे पड़ कर के बंद करा दो वरना पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, और ये आज तक कर रहे हैं। फलस्तीनियों का कत्लेआम इसराइल क्या करेगा जो पाकिस्तानी फौज ने कर दिया? ब्लैक सितंबर लिख लीजिए आप नई नस्ल के हैं तो लिख लीजिए ब्लैक सितंबर, गो टू गूगल एंड राइट इट डाउन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लैक सितंबर, गूगल विल टेल यू। आपको ताज्जुब होगा सुन के, आपको पढ़ के ताज्जुब होगा। हमारी फौज फलस्तीनी 10,000 फलस्तीनियों का कत्ल कर चुकी है। ये पाकिस्तान में आज तक पंजाबियों की अक्सरियत को नहीं मालूम, लेकिन हर आदमी गुलाम तो पैदा नहीं होता, ना गुलाम की औलाद होती है। पंजाब में किसान भी थे, मजदूर भी थे, हारी भी थे, मेहनत कश भी थे, उनकी औलादें पढ़ती बढ़ती रहीं, पैदा होती रहीं, मरती रहीं, बढ़ती रहीं। अब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया और उसमें पंजाबी नौजवानों ने, लड़के लड़कियों ने जब रिसर्च की तो उन्हें अपनी तारीख पे शर्म आने लगी और उन्होंने कहा कि नहीं, जिन्हें गद्दार कहा गया
वो वफादार थे, हम गद्दार, हमारे आबाव अजदाद गद्दार थे। अब हम हक और सच के लिए जो सच होगा उसका साथ देंगे। आज पंजाब की नई नस्ल बहुत ब्रॉड माइंडेड है, मैं आपको ये बता दूं, जो कभी नहीं थी। और वो इतनी है कि बात को सुनती है, समझती है, कुव्वत बर्दाश्त है। हर किसी पे गद्दारी का फतवा लगाने से पहले दलाइल को खामोशी से सुनती है। तो हुजूर वाला, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, तो मैंने उसका अपनी दानिश में कोशिश की कि मुख्तसरन उसका जवाब दूं, ताकि अगर आप समझ गए मेरे भाई, आप नौजवान नस्ल के हैं, यू आर बॉर्न इन दिस कंट्री और यू डिडंट नो द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बिकॉज यू आर यंग, एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द यूथ टू रीड द ट्रू हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान विदाउट लुकिंग एट द हेडलाइंस ऑफ द बुक, हु रोड इज अब्दुल वली खान, ओ ही इज अ ट्रेटर, नो आई वॉन्ट रीड इट, बुक ऑफ जी एम सैयद, ओ नो आई वॉन्ट रीड इट, बिकॉज दिस इज रिटन बाई अ ट्रेटर ऑफ पाकिस्तान। तो इस चीजों से हटें जब तक आप हकायक, व्हेन टिल यू गो थ्रू हिस्ट्री एंड नो द फैक्ट्स ऑफ द हिस्ट्री इन रियल सेंस, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट पंजाबीज आर एंड वर एज ए ह्यूमन बींग माई ब्रदर सिस्टर मदर्स। माँ जब कह दो, अगर मैं पंजाबियों पंजाबी माओ को कहूँ माँ हो तुम मेरी, तो फिर बाकी सब नीचे चला जाता है। मैं पंजाबी माओ को अपनी माँ समझता हूँ, बुजुर्ग माए जो है, मैं खुद बुजुर्ग 71 ईयर्स का हूं, लेकिन मुझसे ज्यादा उम्र की जो बुजुर्ग माए हैं उनको माँ समझता हूं कि मेरी माँ तूने मुझे इतनी हिम्मत दी कि आज मैं पंजाबियों में बैठकर सच बोल रहा हूं और तू सुन रही है, तेरा शुक्र। तो पंजाबी ऐसे जो अंग्रेज के उनके अभाव अजदाद गुलाम नहीं थे, वो ताबेदार नहीं थे, उनके नौकर नहीं थे, बल्कि उनको आप लोगों को नौकर बनाया, खिदमतगार बनाया, उनके कुत्ते बिल्लियां धुलवाने के लिए। वो नस्ल कभी बिकी नहीं थी, ना आज तक बिकी है। ये वही नस्ल है जो आज सोशल मीडिया पर सच्चे पाकिस्तानियों की तरह, सच्चे पाकिस्तानी छोड़ें जी, सच्चे इंसानों की तरह सोचने लगी है। ये सोशल मीडिया की बरकत है, बाकी अल्लाह जाने। जी जनाब मिर्जा साहब, सर बहुत शुक्रिया। सवाल ये कि आपका मैसेज कि हम मुतहद कैसे हो सकते हैं पाकिस्तानी के तौर पर सूबों की कैद से बाहर आकर। नहीं, वो तो देखें ना, आप जब आएंगे और आप पठानों को, बलूचों को, सिंधियों को, सराइकियों को, गिलगितियों को ये एहसास दिलाएंगे, तुम और हम एक ही खानदान के हैं, एक ही मुल्क में हैं, और धरती जो होती है वो भी माँ का दर्जा रखती है, हम सभी धरती के बेटे हैं और बराबर हैं।
You have to do it practically, not verbally. You have to treat them like equal, real, like real brother, not second brother or third brother. जी जनाब शुक्रिया मिर्जा भाई आपकी बहुत शुक्रिया थैंक यू किसी और का कोई सवाल हो तो कैरी ऑन थैंक यू बहुत शुक्रिया मैं दरख्वास्त करूंगा कामरान खान की आईडी से अपना माइक अनम्यूट कीजिए बात कीजिए कामरान खान अस्सलाम वालेकुम सबको वालेकुम सलाम अल्ताफ साहब आपका कैसी तबीयत है ठीक है जी अल्लाह करम है अच्छा मैं थोड़ा सा एक तज़िया भी है और सवाल भी है जी तज़िया पेश कर दें आप जी वो तज़िया ऐसे ही है कि एक पाकिस्तान जो है एक ख़ास स्टेट था ख़ास स्टेट है और ख़ास स्टेट रहेगा अगर 25 करोड़ आवाम भी जो है ना एक पार्टी को वोट दे दे तो मौजूदा सूरत हाल या आज से 10-12 साल पहले की जो कंटिन्यूटी है उससे नहीं लगता कि कोई यानी अवामी हुकूमत चल सकती है और सवाल ये है कि ऑर्गेनाइजेशन और उसकी टेक्निकलिटीज़ के हवाले से कि आप ऐसा कौन सा मटेरियल सिलेक्ट करते थे फॉर एमपीए और एमएनए के उसके क्या पैरामीटर्स होते थे जो आप सिलेक्ट करते थे और फिर वो असेंबलियों में गए जीत के गए और फिर वो तवातुर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी होते गए तो वो क्या कमज़ोरियां थी या वो ऐसी क्या चीज़ थी जिससे जो है यानी कि ग्रुप्स और इस तरह की चीज़ें जो है वो बनती गईं यानी स्टेबिलिटी अनसर्टिनिटी जो है वो यानी बढ़ती ही गई और फिर लोगों का एतमाद भी जो है वो कम होता गया तो इसके बारे में बताइएगा प्लीज़ बहुत शुक्रिया देखिए ये तो जवाब इतना लंबा है इसके लिए तो अलग सेशन होना चाहिए तरबियत की उनको भेजा और वो बिक गए आप इंसान की ह्यूमन साइकोलॉजी को जब तक नहीं समझेंगे हर इंसान की फितरी ख्वाहिश होती है कि लॉटरी में मेरा जैकपॉट निकल जाए हर आदमी टिकट इसलिए खरीदता है रैफल टिकट जो होते हैं रेड क्रॉस के और पूरी पाकिस्तान में जगह जगह लगे होते हैं कि हम इतने बॉन्ड्स इसलिए खरीदता है पाकिस्तान में प्राइस बॉन्ड होते हैं ना कि मेरा 50 करोड़ का इनाम निकल जाए या 50 लाख का इनाम निकल जाए ये फितरत है जब एक गरीब आदमी लोअर मिडिल क्लास का आदमी जब अरबपतियों खरबपतियों चोर उचक्के डाकुओं में सुबह शाम 3 साल उनके साथ खाना खाएगा उनके घर जाएगा फिर वो सैर कराएंगे फिर पीछे से उनके माविनों मददगार फौज वाले कर्नल ब्रिगेडियर्स मेजर जनरल्स आ जाएंगे वो उनको सैर व तफरियां कराएंगे और हर तरह की मराते देंगे इंसान की फितरी जिबिल्लत और मर्द की फितरत ये सब जानते हैं ये बड़े तल्ख जवाबात हैं मर्द की फितरत है पैसा औरत ये सब आपको फराहम हो जाए तो 1 मिनट में आपकी सारी इबादत जो है मिट्टी में मिल जाएगी इसके लिए मैंने 46 साल गुजारे हैं हुजूर आप 46 दिन नहीं गुजार सकते मेरी तरह से अगर ये जज्बा है तो एमक्यूएम में शामिल होइए
और सी किए, मैंने आपके सवालात के जवाब दे दिए। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान। मैं दरख्वास्त करूंगा मीर शाह की आईडी से। मीर शाह अपना माइक अनम्यूट कीजिए। मीर शाह भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्ताफ भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं बेसिकली पश्तून कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हूँ और मैं कराची यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मैं मेरा जो सवाल है वो ये है एज ए न्यूट्रल कि हम कराची को कैसे बेहतर कर सकते हैं। जो नौजवान फिलहाल के बारे में कराची को बेहतर बाद में करेंगे, पहले पख्तून जरगे को कामयाब बनाइए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्ताफ भाई जो मैं दरख्वास्त करूंगा बॉबी भाई से, बॉबी राजपूत की आईडी से अपना माइक अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, तस्लीमात, बोंजो बड़े भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, जीते रहिए, खुश रहिए। आपकी सेहत, आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का करम, अल्लाह का दुआ गो रहता हूँ सच में आपके लिए, अल्लाह पर आपको जितनी भी जिंदगी दे उससे तो तंदुरुस्ती वाली हो। अमीन सुम्मा अमीन, दिल से दुआ भाई आपके लिए। अच्छा भाई मैं सॉरी, मुझे अभी जिस टॉपिक में बारे में थोड़ा सुना, अभी रिसेंटली मैं इंटर हुआ भाई। अभी जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, आपकी एक बात मुझे बड़ी पसंद आई अभी खान साहब को, आपने जो जवाब दिया कराची को बाद में देखिएगा, पहले इंटरनली मामलात को सॉल्व करें। अच्छा भाई अभी जो ये काजी जस्टिस डोनर टीसा फायज जो है, आई थिंक आप मुझसे बेहतर जानते हैं, तो क्या आगे लाया वो लोग, इनका कुछ समझ से बाहर है मेरे भी। देखिए आप बहुत अरसे से आ रहे हैं जी भाई, आपके प्यार में, आपकी मोहब्बत में, और आप जानते हैं कि मेरे करोड़ों लाखों लेक्चर पाकिस्तान में हुए और अब मैं टिकटॉक पे 123वां लेक्चर दे रहा हूं। जी भाई, भाई मैंने अपनी नशिस्तों में बार बार दोहराया है कि पाकिस्तान के मसाइल बीमारी और इंतहाई अनट्रीटेबल नॉन ट्रीटेबल डिजीज ये सारी पैदा करदा हैं पाकिस्तान की फौज की, जो बरतानिया और अमेरिका की गुलाम थी, है आज भी, जब मैं बात कर रहा हूं आज भी। जी भाई, भाई कुछ टाइम पहले ना यहाँ पर लियोन सिटी में ना एक मेरे दोस्त हैं, सीएत फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने बड़ी अजीब सी बात की थी, मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। उन्होंने पता मुझे क्या बोला, उन्होंने कहा कि बॉबी एस्टेब्लिशमेंट दूसरे नंबर पे आती है करप्शन में। एस्टेब्लिशमेंट को इस साल में लाने का जो फ्रीजर सर अंजाम दिए ना, वो किसी को नहीं पता। मैंने पूछा क्या मुर्शिद, क्या किसने ये सर अंजाम दिया, उन्होंने मुझे पता क्या बोला, उन्होंने कहा कि सबसे जो बड़ा फ्रीजर सर अंजाम दिया वो हमारे दरगाहों ने दिया, हमारे जो पीर और मुर्शिद थे ना उन्होंने ही जनरल्स को बिगाड़ा है, जगह जगह पे दरगाह पीर मुर्शिद चढ़ावे चढ़ा रहे हैं, चादरें चढ़ा रहे हैं, गरीब के तन पे कपड़ा कोई नहीं है, कब्र पे चढ़ावे चढ़ाओ, कब्र पे चादरें चढ़ाओ। तो भाई आप क्या नहीं, उन्होंने बड़ी हद तक एक बात दुरुस्त की है, लेकिन असल तुझसे पहले आती है ताकत। देखिए ना, चढ़ावे चढ़ाने वाले उनके पास कोई बंदूक नहीं होती, ठीक है, लेकिन जो इम्पोज्ड पावर एक्सरसाइज करवाने वाले होते हैं उनके हाथ में गन होती है।
जी भैया अगले, तो पहले नंबर पर फौज है, दूसरे नंबर पर जमींदार जागीरदार, और यही तो जागीरदार जमींदार ही तो गद्दा नशीन होते हैं, यही असल गद्दार है भाई। इनकी हिस्ट्री, मसला ये है मेरे भाई कि हमारे लोग पढ़ते नहीं हैं, सुनी सुनाई बातों पे बस चलना शुरू कर देते हैं। एग्री करता हूं भाई आपसे, 100% एग्री करता हूं। तो दोनों कसूरवार हैं, लेकिन नंबर वन तो हम माइट को देंगे, ताकत को देंगे, ब्लडी जर्नल्स को। एंड दीज आर ऑल्सो सेकेंड पार्ट ऑफ द ब्लडी सज्जादा नशीन। आई एग्री भाई, अब मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया आपने। और क्या, यानी आप जो चादर वहां चढ़ा रहे हैं, अब देखिए लोग मुझे इस पे, आप मुझे क्यों फंसवा रहे हो भाई। भाई आई लव यू, रियली आई लव यू। मैं नहीं कहता हाँ, मुझे फंसवाओ नहीं, आप 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 हमारे लिए ना एक मिशले रहो, दैट्स व्हाई आई सेड दैट अल्ताफ भाई आई लव यू सो मच। थैंक यू, आपने सही कहा, जो कह दिया आपने ठीक कहा, मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा, आपने जो कहा गरीब को दे दो। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने इस नशीज को एग्री किया, मेरे लिए ये बहुत बड़े एहसास की बात है। दैट्स नहीं, आपने सही कहा, गरीब को दे दो, उसके तन पे कपड़ा नहीं है, बस काफी है, मैं नहीं बोलूंगा भाई, ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे सारा अल्लाह। अच्छा अच्छा, मैं ऑन करता हूँ इस बात को भाई, मैं ऑन करता हूँ, आप पे कोई नहीं आएगा कुछ भी। नहीं, आपने कह दिया बस। ये मैं आज इतनी बात करने के काबिल पता है क्यों? क्योंकि मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। जज़ाकअल्लाह, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है भाई। भाई मेरा इतना ही सवालात थे, थैंक यू कि मैं आज आपसे बात की। आई एम अ मैन ऑफ ट्रुथ, आई एम अ मैन ऑफ करेज, एंड आई से व्हाटएवर आई फील। एग्जैक्टली, आई एग्री भाई, आई एग्री विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेस, नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेस आई से इट इन पब्लिक। मैं अभी भी कह रहा हूं, लेकिन भाई इतना तो छोड़ दोगे, ये पहले ही वहां पे वो ब्लैस्फेमी कर दी, उसको जला दी। भाई यू आर नंबर वन, आई फील, आई सीम यू आर नॉट ऑन एनालिसिस, आई एग्री यू आर नंबर वन भाई। जीते रहिए, खुश रहिए। शुक्रिया भाई, अल्लाह हाफिज, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, बाकी भी मौजूद है आप लोग के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं दरख्वास्त करूंगा महमूद कुरैशी साहब की आईडी से, महमूद कुरैशी की आईडी से अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। महमूद कुरैशी, मैं दरख्वास्त करूंगा एहसान उल हक की आईडी से अपना माइक अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए एहसान उल हक। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, लगा करो। अल्ताफ भाई, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा सवाल लिया। सेकंड ऑफ ऑल, मैं लाहौर पाकिस्तान से 19 इयर्स ओल्ड स्टूडेंट हूँ ACCA का। एज अ टीनेजर, मेरा जब मैं अपने पाकिस्तान को देखता हूँ तो एक तो पहले बहुत ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन होता था, लेकिन अब वो भी नहीं होता। सेकेंड ऑफ ऑल, अब मैं ये सोचता हूँ कि अगर हमने किसी हल की तरफ जाना है, तो मैंने जो पास्ट स्टडी किया पाकिस्तान को पिछले 3-4 सालों में, तो क्वाइट फ्रैंकली कि मुझे नहीं लगता कि अब हमारा कुछ इतना बेहतर मुस्तकबिल हो सकता है, नन द लेस कि अगर हम खुद एक अच्छी कौम ना बन जाए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम चे गवैरों की तरह, जो जिसने क्यूबा में गुरीला वॉर शुरू कर दी थी, इस तरह अमेरिका या जो बहुत बड़े बड़े सियासतदान बैठे हैं उनको गिरा सकते हैं, या अभी हम वेट करें किसी अच्छे पॉलिटिशियन का? जी नहीं, हम लोग
बहुत कमजोर हो गए हैं, हम बूढ़े लोग मसलहत पसंद हो गए हैं। बेटा 19 इयर्स में मैंने जिद्दोजहद शुरू की थी, आज आप मुझे सुन रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि हर चीज आपकी मुल्क की सलामती, आपके मुल्क के लोगों की इज्जत व आबरू के लिए इख्तियार करना 100%, 1000% जायज है। मुझे तो दहशतगर्दी का खिताब पहले ही मिला हुआ है, लेकिन दहशतगर्दी किसने नहीं की? क्या अमेरिकन मुझे जवाब दे सकते हैं? क्या अमेरिकन्स मुझे जवाब दे सकते हैं या आपको 19 इयर्स बॉय? कैन दे गिव यू द आंसर? हाउ डिड दे गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश एम्पायर? My dear 19 years old boy, can American give me the answer? How did they attain God independence? How did they get? आप पढ़ो बेटा, उन्होंने भी लड़ाई की है, बंदूक उठाई है, लड़े हैं, लाखों जानों का नजराना पेश किया है इन अमेरिकन ने बर्तानिया से आजादी के लिए। नोबडी विल टेल यू दिस इज अ प्रॉब्लम। बिल्कुल। सो प्लीज ट्राई टू कम इन कॉन्टेक्ट, रिमेन इन कॉन्टेक्ट, रीड माई फिलोसफी। आई रिक्वेस्ट यू read my philosophies, take my books, you follow please Mustafa Zabadi, please ask him to send you all English books and Urdu books, both of Altaf Hussain preachings। जी एहसान अल भाई, मैंने आपको फॉलो कर लिया, मुझे फॉलो बैक कीजिए। मैं आपकी कायदे तरीके अल्ताफ हुसैन भाई की तीन तस्नीफ आते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह उसको लिंक्स भेज दूंगा। शुक्रिया एहसान, थैंक यू सो मच। करो यार, मैं तो इत्तला देने के लिए आया था यार। भाई ये तीन है रिक्वेस्ट हमारे पास। चले। इस्माइल की आईडी से, इस्माइल साहब की आईडी से अपना माइक अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। इस्माइल साहब आपको अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। हम रिक्वेस्ट करेंगे हर्ष की आईडी से, हर्ष अपना माइक अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। हर्ष अपना माइक। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम अल्ताफ भाई, मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान और इंडिया एक टाइम पे आजाद हुए थे जी, मगर इस वक्त आप देखें तो इंडिया हमारे से बहुत आगे निकल चुका है। बिल्कुल ठीक। इसकी क्या वजह है? और इस इसकी एक वजह है, कोई और वजह नहीं है, इसकी सिर्फ एक वजह है जी। अंग्रेजों ने अपने कब्जे को, देखिए ना आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में इसे देखना पड़ेगा जी। और हिस्ट्री का तकाजा ये है, बताती ये है कि बहादुर शाह जफर मुगल एम्परर जो था, आखिरी मुसलमानों का, मुगल एम्परर का, उसको शिकस्त कैसे हुई? जब बरतानवी सल्तनत ने हमला किया, कब्जा किया, तो सबसे पहले
नवाबों, जागीरदारों, वडेरों, जमींदारों को खरीदा। तो जमींदार हर नवाब, हर जमींदार, हर नवाब इसकी अपनी अपनी फौज हुआ करती थी। वो सारी की सारी अफवाज अंग्रेज को दे दी, उसके बदले अंग्रेजों ने उन्हें इलाके की नवाबियत अपनी सल्तनत में, अपने वासराय की सरबराही में तहफ्फुज़ फराहम करके उन्हें जायज करार दे दिया। वो अपना सिलसिला जारी रखते रहे। इंडिया ने आजाद होते ही ये वडेरा सिस्टम, नवाबी सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम इसको खत्म कर दिया। हमारे जर्नैलों ने इस सिस्टम को आज तक बरकरार रखा हुआ है। ये है मुआशी तबाही की वजह। जी जनाब, क्या आप समझते हैं कि पीटीआई ये मुल्क ठीक कर सकेगी? मैं नहीं 100% समझता कि पीटीआई कर सकती है। पीटीआई कर सकती है तो पीटीआई के लीडर को अल्ताफ हुसैन की तरह काम करना होगा, सिलेक्शन उस तरह करना होगा। तो उसका अंजाम कार अभी तो जेल है, उसमें हमले हुए, बस मेरे ऊपर जब ग्रेनेड से, बमों से हमले हुए तो उसके बाद मेरे साथियों ने 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए कि अभी फिलहाल आप चले जाइए, ये अब आपको छोड़ेंगे नहीं आईएसआई वाले। मेरी जान उसमें बच गई, काफी तबाही हुई इससे, लेकिन मेरी जान बच गई। मुझे लंदन भेज दिया। उसके बाद मैं पाकिस्तान जाने के लिए दरख्वास्तें देता रहा कि भाई मेरा वीजा लगा, मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। तो मेरा पासपोर्ट जो है वो जमा हो गया है इमिग्रेशन में, तो मेरा पासपोर्ट नया बना दो। ड्यूअल नेशनलिटी की इजाज़त है। एक तरफ मैंने असाइलम अप्लाई किया था, दूसरी तरफ मैंने अपना पासपोर्ट बनवाया। मैंने कहा वो पता नहीं कब असाइलम हो कब नहीं हो, 10 साल लगे, 20 साल लगे, बस अब हो गया, अब मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूं। भाई उस दिन से लेके आज के दिन तक 2024 आ गई है, 32 ईयर्स मुझे हो गए। इस पाकिस्तान की एम्बेसी ने मेरा पासपोर्ट नहीं बनने दिया। फिंगरप्रिंट, तस्वीर, बायोडेटा, सबूत और शवाहिद देने के बावजूद मेरा पासपोर्ट पाकिस्तान वजारत खारजा ने हमेशा रिजेक्ट किया। उसने नहीं किया, फौज और आईएसआई ने नहीं कराया, क्योंकि अल्ताफ हुसैन तो पाकिस्तान में एक वो चीज थी जिसने 1990 को जब आप पैदा भी नहीं हुए होंगे शायद, या अगर हो गए जी ऐसे ही है। तो 1919 की फिल्म देख लीजिए मेरी, लाहौर मीनार पाकिस्तान की तकरीर, आपको अंदाजा हो जाएगा कि मेरे ऊपर पाबंदी क्यों लगाई। उन्होंने कहा इसको नहीं छोड़ सकते। क्यों? अमेरिका ने कहा, बर्तानिया ने कहा, सब ने कहा नो डू इट वट एवर यू वॉन्ट टू डू। ये तो हमारा
तसल्लुत, यानी इंडिया की तरह ये पाकिस्तान को बनाना चाहता है, गैर जानिबदार, न अमेरिका से अमेरिका डरता है, न बरतानिया से डरता है, न उनका गुलाम है। क्यों? उसने फौरन अंग्रेज के जितने एजेंट्स थे उनकी आल औलाद को ही खत्म कर दिया, वो सिस्टम ही खत्म कर दिया, वो सिस्टम हमारे यहां आज तक जारी है। ये है बेटा आपके सवाल का जवाब। बस बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। मैं दरख्वास्त करूंगा मीर सिकंदर की आईडी से, अपना माइक अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ भाई। वालेकुम अल्ताफ भाई, एक आपसे सवाल करना था, बुरा ना माने तो। आप सवाल कीजिए। सर जो कराची में बल्दिया टाउन वाकया हुआ, आज बल्दिया टाउन वो मैंने कराया था जी, बोलिए अब आप क्या कर सकते, क्यों हटा दिया तुमने इसको भाई? ये नहीं नहीं, इसको बुलाओ वापस भाई, ये बीच में कौन? नहीं नहीं, इसको बुलाओ, इसको वापस लो जी भाई, वापस लो इसको। लो इसको वापस लो ना, नहीं उतारा करो मुझसे। अब देखो ना, तुमने इसको उतार दिया, मैं उसका जवाब देता, उससे पूछता कि तेरा बाप वहां था, तेरी मां वहां थी, जिसने देखा था, मौजूद खवातीन हजरात, अब सब खत्म हो गए जी भाई, मैं इजाजत चाहता हूँ भाई, चंद लम्हों की इजाजत चाहिए आपसे। कहाँ यार, लोगों के पास है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, कल भी देखा था नहीं था, कुछ भी नहीं था भाई। ये टिंग डोंग की आईडी से सोनी धरती बाजी, टिंग डोंग की आईडी से सोनी धरती बाजी कर रही है, फ्लावर्स टिंग डोंग। तमाम साथियों से रिक्वेस्ट है, डबल टैप कीजिए, फ्लेम हार्ट भेजा डिंग डोंग की आईडी से, फ्लेम हार्ट, टिकटॉक साइन माशाल्लाह, सकी बॉस भाई की तरफ से परफ्यूम्स का सिलसिला जारी है, मुसलसल एजुकेशन लिंक की जानिब से जकी बॉस भाई, सरवर भाई की तरफ से फैमिली हार्ट माशाल्लाह, जकी बॉस भाई एजुकेशन की तरफ से जकी बॉस भाई, सोनी धरती बाजी टोफू, सोनी धरती बाजी की तरफ से फिंगर हार्ट, जकी बॉस भाई की तरफ से मुसलसल जा रही है, मोहसिन सईद भाई, यूसुफ सईद भाई की तरफ से फैमिली हार्ट माशाल्लाह, मोहसिन भाई ये कोरल, यूसुफ सईद भाई की तरफ से माशाल्लाह, यूसुफ सईद भाई की तरफ से, जकी बॉस की भाई की तरफ से मुसलसल अगेन ग्लोइंग जेली फिश, सरवर भाई पॉजिटिव, यूसुफ सईद भाई की तरफ से, जकी बॉस भाई की तरफ से फ्लेम हार्ट्स, लव यू यूसुफ सईद भाई की तरफ से, जकी बॉस भाई, सरवर भाई माशाल्लाह मुसलसल फ्लावर्स जा रही हैं, जकी बॉस भाई की तरफ फ्लेम अगेन फॉर एवर यूसुफ सईद भाई की तरफ से परफ्यूम्स, आतिफ शमीम भाई की तरफ से सोनी धरती बाजी की तरफ से फिंगर हार्ट, मोहसिन सईद भाई डिंग डोंग, मोहसिन सईद भाई डिंग डोंग, यूसुफ सईद भाई डिंग डोंग माशाल्लाह। साथियों डबल टैप कीजिए, सोनी धरती बाजी, सोनी बाजी डिंग डोंग, मोहसिन सईद भाई डिंग डोंग माशाल्लाह, साथियों डिंग डोंग, मोहसिन सईद भाई, सरवर भाई की तरफ से बटरफ्लाई माशाल्लाह, इकबाल बहादुर भाई की तरफ से परफ्यूम्स, सुपर पावर यूसुफ सईद भाई की तरफ से सुपर पावर माशाल्लाह, इकबाल बहादुर भाई की तरफ से मुसलसल परफ्यूम्स का सिलसिला जारी है,
मार्वलस नकी भाई की तरफ से, यूसुफ सईद भाई की तरफ से परफ्यूम जा रही है, एजुकेशन में की तरफ से यूसुफ सईद भाई की तरफ से। मुईन, मुईन बेटा, ये वही लोग हैं, वही लोग हैं जो मुस्तकिल मुस्तकिल यही लोग हैं जो अपनी झोलियां खाली करते रहते हैं मोहब्बत में। लेकिन मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, बाकी लोग खाली सुनते हैं, सवाल करते हैं, अगर जवाब सही मिले तो दिल खोल के जरा कुछ इनाम तो दे। कोई नहीं आया अभी, माइक का लाल ऐसा पैदा हुआ जो एम क्यूएम का ना हो, एम क्यूएम का दुश्मन हो, और मैंने घंटों से जवाब दिए हो, उसने आन के कोई गिफ्ट किया हो इनाम के तौर पे। इजाजत चाहता हूं, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भाई, शब्बा खैर।